सर्फेसिंग देखने वाले। तो लास्ट वीडियो में आपको सर्फेसिंग का एक आइडिया आया होगा। सर्फेसिंग के लिए आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से स्टार शेप जनरेटिव शेप डिजाइन, यहाँ पे नाम दे दो, इसको ओके कर दो। अभी हम सबसे पहले सर्फेसेस देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस और लास्ट में वायरफ्रेम। तो यहाँ पे सर्फेसेस में हमने कल एक्सट्रूड ऑप्शन देखा था और स्पेयर ऑप्शन देखा था, तो फिर से एक बार देखते हैं। एक्सट्रूड में आप जो भी निकालोगे तो वो पैरेलल डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होगा, सरफेस ऐड होगा और उसको कुछ भी थिकनेस नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने ये स्केच निकाला, एक्सट्रूड करता हूँ। ये लिमिट वन है, ये लिमिट टू है, मिरर एक्सटेंड। अभी यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ये आप देखोगे तो इसको कुछ भी थिकनेस नहीं है। उसके बाद है रिवॉल्व का ऑप्शन, रिवॉल्व सेलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल में ये लेता हूँ और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ये वाली लेता हूँ। तो ये जो रिवॉल्व होगा उस एक्सिस के अलावा ये ऐसे रिवॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो, एंगल वन एंगल टू, टोटल एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री रहेगा। आप कोई भी प्रोफाइल निकाल सकते हो, पेपर सेक्शन वगैरह मोस्टली रिवॉल्व कमांड में वगैरह बनाया जाता है। अभी से जब हम डायमेंशन देंगे तो वह हाफ डायमेंशन रहेंगे। हमें डायमीटर 60 का चाहिए तो हम यहाँ पे 30 देते हैं। ये टोटल लेंथ जो रहेगी वो सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 130 चाहिए तो 130 रहेगा। उसके बाद ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट तक ये स्मॉलर रेडियस रहेगा, ठीक है। मैं 70 देता हूँ। तो जब ये रिवॉल्व होगा तो वो डायमीटर 140 का होगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट ये मैं 120 देता हूँ। तो ये जब रिवॉल्व होगा इसका डायमीटर 240 रहेगा। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। सेम यहाँ पे रिवॉल्व कमांड, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन ये वाली लेता हूँ। यहाँ पे ये जब रिवॉल्व होगा ये अराउंड 360 होगा। आप जो भी एंगल चाहिए यहाँ से मेरे डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पीयर। स्पीयर में को सेंटर पॉइंट देना है, उसके बाद पैरेलल एंड एंगल, पैरेलल स्टार्ट एंगल, मेरिडियन एंड एंगल, मेरिडियन स्टार्ट एंगल। ये इनकम्प्लीट स्पीयर रहेगा। आपको कंप्लीट स्पीयर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये पूरा हॉलो रहेगा, यहाँ से आप रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हो। इसमें सिर्फ हमने सेंटर पॉइंट दी थी। नेक्स्ट है सिलेंडर। ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने और ये डायरेक्शन सेट करता हूँ। लिमिट वन है, लिमिट टू है और रेडियस है। तो ऐसे आप रेडियस वगैरह इसके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन है। मिरर एक्सटेंड में दोनों डायरेक्शन में सेम रहेगा। यहाँ पे 57 है तो यहाँ पे भी 57 रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन ऑफसेट का है। ऑफसेट बेसिकली ऑटोमोटिव डोमेन में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये मैं एक्सट्रूड करता हूँ, उसके बाद ऑफसेट सेलेक्ट करता हूँ, सरफेस मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे हम डिस्टेंस वगैरह दे सकते हो।
बूस्टर चाहिए तो आपको बूस्टर भी मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ। उसके बाद आपको रिपीटेशन चाहिए तो आपको रिपीटेशन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आप जितने आपको रिपीटेशन चाहिए आप इंस्टेंसेस में आप ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल ऑफसेट। वेरिएबल ऑफसेट के लिए आपको फ्री स्टाइल में जाना पड़ता है, तो फ्री स्टाइल के लिए आपको स्टार्ट शेप, यहाँ पे फ्री स्टाइल का ऑप्शन है, इसमें जाता हूँ मैं। और यहाँ पे ये सरफेस कट सेम टूल बार है, ये वाला ऑफसेट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सिंपल और वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया, ये सरफेस सेलेक्ट करता हूँ। आप हर एक डायरेक्शन में अलग अलग डाल सकते हो। इसको क्या करता हूँ, ये वेरिएबल ऑफसेट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है रफ ऑफसेट का। रफ ऑफसेट के लिए जहाँ पे भी फिलेट वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे शार्प कॉर्नर्स वो रिमूव हो जाते हैं रफ ऑफसेट में। यहाँ पे मैं ये एक्सट्रूड करता हूँ, 44 की लेंथ है। इसके बाद यहाँ पे रफ ऑफसेट सेलेक्ट करता हूँ, सरफेस में ये वाला सरफेस सेलेक्ट किया, और डिस्टेंस में आप ये ऐसे डिस्टेंस दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ओके करो, इसको टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये शार्प कॉर्नर्स यहाँ पे रिमूव हो गए हैं, यहाँ पे फिलेट आ गई है शेडिंग विद एजेस। जहाँ पे भी यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स थे तो वहाँ पे फिलेट आ गए। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑफसेट कमांड ही यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वीप का। स्वीप में भी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट, लाइन, सर्कल एंड कोनिक। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट देखते हैं। एक्सप्लिसिट में आपको एक प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है और एक सेंटर का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेम एलेक्स कमांड सेलेक्ट करता हूँ, ये हमारा सेंटर का रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट में राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पॉइंट करता हूँ। एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स, प्लेन इधर ऑफसेट पे निकालेंगे। उसके बाद एक्सिस जो है मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जेड एक्सिस देता हूँ। तो बेसिकली हम स्प्रिंग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हाइट दे सकते हैं। उसके बाद ये पीछे उसके बाद आपको काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए या फिर क्लॉकवाइज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्लॉकवाइज मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। उसके बाद स्टार्टिंग एंगल जो है हमने ये पॉइंट दिया था तो वो आप शिफ्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेपर एंगल है, टेपर एंगल आप इनवर्ड या फिर आउटवर्ड दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से भी आप इनवर्ड आउटवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अभी ये हमारा सेंटर का हुआ। अभी इस पर हमें प्रोफाइल निकालनी है, तो ये मैंने प्लेन सेलेक्ट किया,
रेफरेंस ये सिलेक्ट करता हूँ और पॉइंट जो है ये वाला लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। ये प्लेन पे मैंने मैं अभी सर्कल निकालता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। स्वीप सेलेक्ट करता हूँ, प्रोफाइल ये वाली और सेंटर का ये वाला। इसके बाद मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो ये आप देखोगे तो ये ऐसे स्वीप हो गया। ये हमारा हम ये हमने एक्सप्लिसिट में देखा था प्रोफाइल एंड सेंटर को, यहाँ पे एक्सप्लिसिट है। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन का। लाइन के लिए हमें दो प्रोफाइल निकालने हैं, तो यहाँ पे मैं एक गाइड का निकालता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। ये वाला हमारा ये प्लेन में स्केच हुआ है, इसका नाम है स्केच 7। उसके बाद दूसरा जो स्केच है स्केच 8, वो मैं परपेंडिकुलर प्लेन में निकालता हूँ। तो ये जो दो लाइन हमने स्केचेस निकाले, ये आप इससे सरफेस बना सकते हो। स्वीप सेलेक्ट किया, ये आपका ऑप्शन है लाइन का, लाइन सेलेक्ट करता हूँ, गाइड का 1 एंड गाइड का 2। ये मैंने गाइड का 1 सेलेक्ट किया, ये सेकंड गाइड का, इसको मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल का। सर्कल के लिए मैं ये दो गाइड कर लूंगा और एक गाइड को निकालता हूँ ये वाले प्लेन में, तो टोटल 3 गाइड को रहेंगे। तो इसमें जो आपको सरफेस मिलेगा वो सर्कुलर शेप में रहेगा। स्वीप सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, गाइड को 1, 2 एंड 3। ये फर्स्ट गाइड को, ये सेकंड गाइड को और ये थर्ड गाइड को, ये प्रयोग करता हूँ। तो इसका जो शेप है ये सर्कुलर डायरेक्शन में। उसके बाद आप जो गाइड को 3 है वो आप ये सेम दे सकते हो। प्रयोग करता हूँ, तो ये जब फॉलो करेगा तो सिर्फ ये दो गाइड को लेगा, ओके, स्केच 8 एंड स्केच 7। लास्ट ऑप्शन है हमारा कोनिक का। कोनिक के लिए हम एक बार स्केच में जाते हैं, कैसे निकालते हैं हम बेसिक कोनिक स्केच में वो देखते हैं। पहले यहाँ पे एलिप्स है, एलिप्स में ये वाला ऑप्शन है लास्ट का कोनिक का, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये सेंटर पॉइंट दिया, ये फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ये लेता हूँ, सेकेंड पॉइंट ये देता हूँ और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ये लेता हूँ। उसके बाद आपको ये वाला ऐसे कर्व निकालना है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। मैंने ये फर्स्ट पॉइंट दिया, ये टेंजेंट दिया जेड डायरेक्शन में, सेम ये फर्स्ट पॉइंट दिया और टेंजेंट जो दे रहा हूँ मैं जेड डायरेक्शन में दे रहा हूँ, और ये जो दो लाइंस है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तभी ये कोनिक प्रोफाइल आएगा। मैं एक दूसरा वाला निकालता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया, ये सेकंड पॉइंट लेता हूँ, थर्ड पॉइंट ये लेता हूँ और डायरेक्शन में इसकी ऊपर के डायरेक्शन में निकालता हूँ, तो ये वाला इसे आएगा नहीं।
क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, थर्ड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, और इसमें ये आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। हम सेम इसमें देखते हैं, इसमें आपको गाइड को निकालना है, स्वीप सिलेक्ट करता हूँ, फोर्थ ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया कोनिक का, गाइड को वन टेंजेंसी, गाइड लास्ट गाइड को वन टेंजेंसी, गाइड को वन टेंजेंसी, लास्ट गाइड लास्ट गाइड को, और ये इसकी टेंजेंसी। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, आप यहाँ से पैरामीटर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रोफाइल है यहाँ से यहाँ तक इस ये उसने कोनिक फॉलो किया। नेक्स्ट ऑप्शन है फेल का, फेल के लिए क्लोज प्रोफाइल चाहिए। यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है और ये मैं फेल सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्लोज काउंटर आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ओके कर सकते हो तो ऐसे फेल हो जाएंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, सेम ये पॉइंट और ये पॉइंट लेता हूँ, ये दूसरी लाइन बनाई। उसके बाद यहाँ पे फिल सिलेक्ट करता हूँ, कर्व वन, कर्व टू, कर्व थ्री एंड कर्व फोर, यहाँ पे क्लोज काउंटर आएगा। इसके बाद ओके करो तो इसे आप क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी सेक्शन का, मल्टी सेक्शन सर्फेस हमने सॉलिड पार्ट डिजाइन में देखा था। ओके तो आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, उसमें टोटल सेवन ऑप्शंस रहेंगे, सेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, टेंजेंसी, टेंजेंसी देन कर्वेचर वर्टेसिस वगैरह, सेम आपको ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे, तो वो वीडियो आप देख सकते हो मल्टी सेक्शन सर्फेस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंड का, ब्लेंड के लिए आपको दो सर्फेसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल निकालता हूँ, इसके बाद ये मैं ऊपर के डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता हूँ, एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता हूँ, इसको ओके किया। उसके बाद एक ऑफसेट प्लेन लेता हूँ, ये प्लेन ऑफसेट ऊपर के डायरेक्शन में, ये वाला बाहर का मैंने बड़ा वाला सर्कल लिया है और ये सेम ऊपर के डायरेक्शन में अभी एक्सट्रूड करता हूँ। अभी ये दो सरफेस दो जो कर्व्स है ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ब्लेंड कमांड यूज कर सकते हो। ब्लेंड सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट कर्व ये सिलेक्ट किया, फर्स्ट सपोर्ट जो है आप ये वाला सरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, सेकेंड कर्व में ये वाला लेता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तो ये वाला जो जॉइन हुआ है वो यहाँ पे पॉइंट कंटिन्यूटी आपको मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोर्ट देता हूँ ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे अभी टेंजेंसी आ गई है, टेंजेंसी में ये वाला सरफेस ये सरफेस को टेंजेंट हो गया। सेकेंड सपोर्ट में ये वाला सरफेस लेता हूँ, सेकेंड जो सरफेस है हमारा, उसके बाद यहाँ पे भी टेंजेंस सेलेक्ट करता हूँ और प्रयोग करता हूँ, तो ये आप देखोगे तो अभी दोनों तरफ टेंजेंसी फॉलो हुई है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, पॉइंट में स्ट्रेट रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये टेंजेंट है। उसके बाद आपको कर्वेचर चाहिए, तो ये जरा सा कर्वेचर फॉलो करता है, पहले टेंजेंसी रहेगी उसके बाद ये कर्व स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब स्लाइन के जैसा शेप रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे टेंशन का ऑप्शन है, आप टेंशन यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये फर्स्ट टेंशन है और ये सेकंड टेंशन। कैंसिल करता हूँ, तो आप ये मल्टी सेक्शन में भी कर सकते हो। मल्टी सेक्शन में सिर्फ आपको टेंशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और डिफरेंस दूसरा ऐसा है कि ब्लेंड कमांड में आप दो ही कर्व सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टी सेक्शन में आप एन नंबर ऑफ सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे सरफेसेस का टूल बार, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस का टूल बार देखेंगे, ऑपरेशंस एंड वायरफ्रेम। कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। Yeah.